हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नई वीडियो में, जिसमें आज मैं आप सभी के साथ और आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लॉश के मॉडल को। लॉश का इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल है जिसे हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इस मॉडल को शुरू करने से पहले आप सभी को आज धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बधाइयाँ। और आज जिनका एग्ज़ाम है, आज आप सभी जानते हैं, आज 12 नवंबर। ये वीडियो हालांकि मैं 11 नवंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये जाने वाली 12 नवंबर को है, इसलिए मैं आपको आज ही बधाइयाँ दे रहा हूँ, क्योंकि ये कल आप तक पहुँचेंगी। तो धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही जो जिनका एग्ज़ाम है, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे, और भगवान से मैं ऐसी प्रार्थना करूँगा, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत बेहतर तरीके से जाए, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएँ। और क्योंकि आपने इतने महीने से तैयारी करी थी और इतना प्रिपरेशन करी है, करीब 2-3 महीने से मैं आप सभी के साथ लगातार स्ट्रेटेजी आपकी, और आप कैसे करके तैयारी करेंगे, कैसे आप रिवीजन करेंगे, कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 महीने से प्रैक्टिस करवा रहा है, तो आज आपको उसका निश्चित रूप से फल मिलेगा, ऐसी मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगा। ठीक है, और इसके बाद हम आएंगे अपने इस कॉन्सेप्ट पर, अपनी थ्योरी जिसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो उससे पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अंकित कुमार और मैंने NTUGC नेट अपने मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में और पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, जिसके बाद मैं आपको समझता हूँ कि इस एग्ज़ाम की क्या रिक्वायरमेंट है, जिसको अगर आप फुलफिल करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पूरी जर्नी को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कैसे उसे क्वालिफाई करेंगे। तो इसी के लिए, इसी के चलते मैंने एक अपने YouTube चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करी है, और इसके अलावा एक और चीज़ मैंने स्टार्ट करी है। क्या, अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी हम शुरू करने वाले हैं पूरे डिटेल में, नोट्स के साथ, कैसे कैसे करके प्लेलिस्ट में, या फिर यहाँ पर आपको वो दिखाई दे रहा होगा, ये वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, तो इसको आप देखें और पूरा समझें उसे, और उसके आगे अपना फीडबैक दें। और इसके अलावा आपको पूरा एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा जिसमें मॉडल्स एंड थ्योरीज, NTUGC नेट में जितने भी मॉडल और थ्योरीज, इनमें से कुछ भी अगर पूछा जाता है, उस सभी मॉडल्स को, थ्योरीज को हम वन बाय वन करके, ये जो आपको दिखाई दे रही है प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में हम डिस्कशन करेंगे। एक एक करके मैं मॉडल्स एंड थ्योरीज बनाता चल रहा हूँ, और आप मुझे सजेस्ट करते चलिए कि कौन कौन से मॉडल हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अपने प्रॉब्लम्स अगर आप मुझे शेयर करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर मिल जाएगा। और साथ ही ये जो सारे नोट्स हैं, आपको ये सारे नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे, जैसा कि हमेशा मैं आपको कहता हूं, इन सभी के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आप सभी को पता है कि एक एक स्लाइड करके आपको समझाता हूं, इस स्लाइड को मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद एक नेक्स्ट स्लाइड आएगी जिसकी पे हम बात करेंगे, और फिर एक दो स्लाइड और आती है, मैं 3 स्लाइड मैक्सिमम होती है जिसमें पूरी जो थ्योरी या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट हम कर देते हैं, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग वे में इसे मैं कवर करूंगा। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन अगर आप धैर्य बना करके रखेंगे तो बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। क्योंकि देखो, अगर आप चाहे किसी भी वीडियो को देखते हैं, चाहे मेरी वीडियो को, चाहे फिर किसी और एजुकेटर की वीडियो देखते हैं, तो अगर बीच में से स्किप कर करके देखेंगे तो समझ नहीं पाओगे, उस वीडियो का भाव नहीं समझ पाओगे, क्या थ्योरी में कहा जा रहा है उस बात को नहीं समझ पाओगे। इसलिए धैर्य बनाए रखो, अगर कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है और कुछ हटके करना है, तो उसके लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लॉस के लोकेशन मॉडल को, किसी इंडस्ट्री की क्या लोकेशन होनी चाहिए, कोई अर्बन सिस्टम है, मार्केट प्लेस है, उसका क्या शेप होता है, क्या उसकी लोकेशन होनी चाहिए, इससे रिलेटेड लॉस के मॉडल यहां पर दिया गया है, जो कि अगस्त लॉस के द्वारा दिया गया है। लॉस का मॉडल देखो, मैं 3rd नंबर पर इसको बना रहा हूं। पहले मैंने आपको वेबर का मॉडल बताया, फिर मैंने उसके बाद आपको क्रिस्टोलर का मॉडल बताया। ये सीक्वेंस और सीरीज इसीलिए है कि आप आगे की चीजें समझ पाओ। अब इसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे हमें कंपैरिजन करना होगा क्रिस्टोलर के मॉडल से, क्योंकि ये जो लॉस का मॉडल है, ये दिया ही क्रिस्टोलर और आपके वेबर हैं, उनके मॉडल में मॉडिफिकेशन करके लॉस ने अपना ये मॉडल दिया हुआ है। अब जब तक आप क्रिस्टोलर का नहीं मॉडल समझोगे, जब तक आप वेबर का मॉडल नहीं समझोगे, कैसे करके आप इसको समझ पाएंगे? आप समझ भी जाओगे तो बस रटोगे, आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे लॉस के और क्रिस्टोलर के मॉडल में, जब तक क्रिस्टोलर को नहीं समझोगे। तो इसलिए पहले मैंने उसको उसको क्लियर किया था। अगर मैं आपसे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उसको जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है, और फिर उसको आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो लॉस का जो लोकेशन मॉडल, लॉस का पूरा नाम अगस्त लॉस है,
लॉन्च का ये लोकेशन मॉडल है। अब लोकेशन किस चीज की लोकेशन, वो आपको अभी पता चलेगा कि ये लोकेशन मॉडल को इन्होंने डिस्कस किया था। हम हमेशा देखो एक सीक्वेंस में चलते हैं, एक सीरीज में चलते हैं कि सबसे पहले आपको किसी भी मॉडल या फिर किसी भी थ्योरी के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट होते हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इस मॉडल का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है इस ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, फिर इसके कुछ अजम्पशन होते हैं, क्योंकि हर एक थ्योरी या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में हर एक कंडीशन में अप्लाई नहीं हो सकती। उसके कुछ निश्चित रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके कुछ निश्चित कंडीशंस होती हैं जिनमें वो एप्लीकेबल होगी। उन अजम्पशन को, उन मान्यताएं को हम समझेंगे कि किन मान्यताओं में ये लॉज का मॉडल एप्लीकेबल है, कहां पर नहीं है। उनको जब आप समझ जाएंगे तो हर एक थ्योरी की, मैंने आपको जैसे कि बोलता हूं मैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को जानेंगे, मॉडल को जानेंगे, फिर आगे इसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, उसकी क्या लिमिटेशन है उनको जब हम जान लेंगे, फिर क्रिस्टोरर के और लॉस का एक कंपैरिजन देखेंगे, सारी चीज आपको आराम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इंट्रोडक्शन जो है कि ये ऑगस्ट लॉस की जो मॉडल है ये दिया गया किसके द्वारा, ऑगस्ट लॉस के द्वारा दिया गया लोकेशन मॉडल है। 1940 में ऑगस्ट लॉस ने, जो कि एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, और ये भी क्या है, एक जर्मन इकोनॉमिस्ट है, जैसे कि क्रिस्टोलर थे ना, क्रिस्टोलर भी जर्मन के थे, तो ये भी जर्मन के इकोनॉमिस्ट थे। 1940 में इन्होंने अपना ये, और कहां कहां से इसमें क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 1940 में इन्होंने सबसे पहले अपना ये मॉडल दिया था, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, कब ट्रांसलेट किया गया, 1954 में। अब इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट किया गया तो एक बुक लिखी गई, कौन सी बुक, जिस बुक का नाम है और एग्जाम में पूछी गई बुक है, द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन, इस बुक में इनका मॉडल, जो लोकेशन मॉडल है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया 1954 में। ठीक है, अब ये जो लॉस का मॉडल है, देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लॉस का जो मॉडल है ये किस पर बेस्ड है, तो जो जर्मनी है, पूरा जर्मनी। अब एक चीज देखो, ध्यान देना, इससे आप कंपेरिजन भी कर पाओगे, क्रिस्टोलर का जो मॉडल था वो जर्मनी पर आधारित है, लेकिन जर्मनी के, साउथ जर्मनी के एक शहर बारवेरिया पर आधारित वो आंकड़े हैं, लेकिन जो लॉस है, लॉस का जो मॉडल है वो जितना पूरा जो कंप्लीट जर्मनी है, पूरे जर्मनी की जो अर्बन प्लेसेस हैं उनसे प्राप्त जो आंकड़े हैं उन पर ही आधारित है। साथ ही साथ लॉस के मॉडल में कमोडिटीज को, सर्विसेज को, और इसके साथ ही हम इंक्लूड कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग को और इंडस्ट्रीज को, इन सभी के जो आंकड़े हैं उनको ये लॉस कंसीडर करते हैं। लेकिन जो क्रिस्टोलर है वो केवल जो मेन सेंटर पॉइंट होता है, जो हेक्सागोनल का सेंटर पॉइंट होगा, हेक्सागोनल यानी कि षटभुज, ठीक है, जो मेन यहां पर फोकल पॉइंट होता है जिसको आप कहेंगे सेंट्रल प्लेस। ठीक है, तो सेंट्रल प्लेस में केवल सर्विसेज को ही क्रिस्टोलर कंसीडर करते हैं कि सर्विसेज जहां पर होंगी वही हमारा सेंट्रल प्लेस होगा, जहां पर सबसे ज्यादा सर्विसेज मिलती होंगी। लेकिन लॉस बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, सेंट्रल प्लेस होने के लिए वहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग वाला भी अगर कोई रीजन है, इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है, सर्विसेज हैं कम, और 150 कमोडिटीज में से अगर कोई कमोडिटी वहां पर होती है, उसका उत्पादन होता है, तो इसको भी एज अ सेंट्रल प्लेस कंसीडर किया जाएगा, ये कहा जाता है लॉस के द्वारा। ठीक है, ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। अब लॉस ने अपना जो मॉडल है वो क्यों इन्होंने बनाया, इसका क्या कारण था, तो इसका ऑब्जेक्टिव जब आप जानोगे तब इसमें आप आगे बढ़ोगे, तो अब आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें जो आने वाले कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार के क्यों हैं, इन्होंने ये बात क्यों कही। तो देखो, लॉस का जो मॉडल है इसका ऑब्जेक्टिव था कि इस चीज को एक्सप्लेन करना, किसे एक्सप्लेन करना, साइज एंड शेप ऑफ मार्केट, जो मार्केट एरिया है, मार्केट एरिया का किस प्रकार से साइज होता है, क्या उसका एक साइज रहता है, उसका अगर शेप हेक्सागन है तो हेक्सागन क्यों है, ठीक है, कैसा मार्केट का साइज रहना चाहिए, उसका क्या शेप होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए लॉस ने अपना लोकेशन मॉडल, देखो साइज और शेप, साथ ही साथ लोकेशन भी, ठीक है, तो साइज और शेप तो एक हो गया, दो चीज ही इंपॉर्टेंट हो गई, नंबर दो साइज और शेप को एक्सप्लेन करने के लिए, और इसके अलावा जो लोकेशन है वो लोकेशन किस चीज के लिए, कि सबसे ज्यादा बेस्ट लोकेशन क्या होगी, जहां पर आपको जो बेनिफिट है, जो प्रॉफिट है, अब जिसको आप कह सकते हैं लार्जेस्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब इनकम, जहां पर आपको सबसे ज्यादा इनकम हो उस लोकेशन को ढूंढना, साथ ही साथ मार्केट प्लेस का साइज और शेप कैसा होगा, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए लॉस ने अपने लोकेशन मॉडल को बनाया था। ठीक है,
अब देखो लॉस ने जो रेवेन्यू है मैक्सिमम रेवेन्यू कहां पर होगा इस पर एम्फेसिस किया था, तो इसी कारण लॉस के मॉडल को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी भी कहा जाता है। एक चीज ध्यान देना एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी थ्योरी है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी कहलाती है, तो लॉस की जो लोकेशन मॉडल है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी भी कहलाती है, क्योंकि इन्होंने अपना जो लोकेशन मॉडल है इसलिए दिया है कि जो लार्जेस्ट रेवेन्यू वाला, रेवेन्यू मतलब इनकम वाली लोकेशन क्या है उसको फाइंड आउट किया जा सके, ठीक है। और इसी अप्रोच के कारण इनकी जो अप्रोच है, इनकी अप्रोच किस प्रकार की है, मार्केट सेंट्रिक है। कि मार्केट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम बाजार में जाते हैं तो बाजार में क्रेता और विक्रेता, बायर और सेलर दोनों किस चीज के लिए वहां पर आते हैं, बायर भी इसीलिए है और सेलर भी इसीलिए, हमेशा उसका जो ध्यान लगा रहता है कि हमें सबसे ज्यादा फायदा कहां पर होगा। इस शॉप पर हम जा रहे हैं यहां पर 2 रुपया बच रहा है, उस शॉप पर जा रहे हैं वहां पर 5 रुपया बच रहा है, इसलिए हमेशा हर कोई लगा रहता है इस चीज में। तो ये इसको कहते हैं मार्केट सेंट्रिक अप्रोच। तो यही जो थियोरी है इनकी, ये मार्केट सेंट्रिक कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, बाजार क्षेत्र विचारधारा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। आई होप कि आप ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे। और ये जो मॉडल है मैंने आपको पहले ही बताया, क्रिस्टलर के और वेबर के मॉडल का ये मॉडिफाइड मॉडल है, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसमें अजम्पशन, कुछ अजम्पशन होंगी इसमें, इसकी इस मॉडल की क्या क्या अजम्पशन है उनको अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके, और अजम्पशन समझ लोगे फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, और ये डिमांड कौन क्या है इसको ये भी समझोगे, ठीक है। चलो तो इसमें सबसे पहले अजम्पशन में कुछ क्रिस्टलर से ही मिलते जुलते इसके कुछ अजम्पशन है। सबसे पहला अजम्पशन है कि जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा विश्व है, उसको ये कैसा सरफेस मानते हैं, प्लेन सरफेस मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा सरफेस नहीं होता है ना, फ्लैट यूनिफॉर्म सर्विस ही है, मतलब सरफेस ये मानते हैं पूरे विश्व को लॉस, ठीक है। जैसे क्रिस्टलर ने भी बोला था कि जो पूरा विश्व है वो आइसोट्रोपिक सरफेस है, लेकिन ये बोलते हैं कि फ्लैट है, यूनिफॉर्म है, इस प्रकार का ये इनका टर्मिनोलॉजी रहती है, ये ध्यान में देना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ये कहते हैं कि डिमांड। अब देखो लॉस जो है वो डिमांड पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे वेबर बोलते हैं ना, वेबर ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे, वैसे ही हमारे जो लॉस है, लॉस डिमांड पे, यानी कि मांग पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। कि जब डिमांड डिक्रीज होती है, क्यों होती है डिक्रीज, अगर यहां पर प्रोडक्शन पॉइंट पी, इस पी प्रोडक्शन पॉइंट पर अगर प्रोडक्शन हो रहा है और इससे दूर जैसे जैसे आप बढ़ोगे दूर जाने पर, ठीक है, अगर इससे आप दूर जाएंगे तो डिमांड डिक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है। क्यों प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसको भी ये बताते हैं। अगर आप डिमांड ये जो प्रोडक्शन पॉइंट से अगर आप दूर जा रहे हैं तो प्रोडक्शन पॉइंट के सामने तो डिमांड देखो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप दूर जा रहे हो तो डिमांड क्या करने लगती है, घटने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होता है। अब प्राइस इंक्रीज क्यों होगा, तो प्राइस इंक्रीज इसलिए होता है प्रोडक्शन पॉइंट से दूर जाने पर, क्योंकि धीरे 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 करके प्रोडक्शन पॉइंट से जैसे जैसे आप दूर बढ़ोगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां पर ज्यादा लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होने लगती है। अब इसको आप समझते हैं, यहां पर मैं इसको समझाता हूं कि ये बात ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखो मान लो यहां पर यह है प्रोडक्शन पॉइंट, ठीक है, यहां पर किसी भी कमोडिटी का, किसी भी उत्पाद का यहां पर उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहां पर मानते हैं कि पेन का यहां पर उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्शन पॉइंट के सामने यहां पर एक पेन का, यहां पर तो पेन उत्पादित हो रहा है, तो यहां पर इसका जो प्राइस होगा 3 रुपया होगा, ठीक है, प्रोडक्शन पॉइंट के। अब जो इसके पास में रहने वाले लोग होंगे उनको 3 रुपए का मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन कुछ दूरी से, ये धीरे धीरे करके दूर बढ़ रहे हैं, दूरी बढ़ रही है, तो यहां से जो लोग हैं, या फिर वो हो सकता है कि वो होलसेलर हो, वो इसे खरीदने के लिए आएंगे, तो उनको कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ेगा। तो मान लीजिए 1 रुपया उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ा, तो 3 और 1 ये उनको 4 रुपये का पड़ा। थोड़ा और दूर गए प्रोडक्शन पॉइंट से, तो इस पॉइंट पर 2 रुपये इनको क्या देना पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ा। तो 3 का तो टोटल 10 है और 2 रुपये ये प्लस कितने हो गए, 5 रुपये। थोड़ा और दूर गए, ठीक है, तो थोड़ा और दूर गए तो 5 रुपये यहां पर इसको जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो 3 रुपये देना पड़ा, और 3 रुपये आपका इसका कॉस्ट है पेन का, तो टोटल रुपये हो गए आपके 6। तो इसलिए धीरे धीरे करके डिमांड डिक्रीज होने लगती है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इस पॉइंट से, इस पॉइंट के बाहर के लोग इस प्रोडक्शन पॉइंट से, ये जो सेंटर पॉइंट है यहां पर, ये जो मार्केट एरिया, ये वाला मार्केट एरिया, इस पर कोई भी वस्तु खरीदने के लिए नहीं आएंगे। वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इसकी रेंज कहलाएगी, ठीक है, वो इसकी क्या कहलाएगी, रेंज। इसको भी मैंने
क्रिस्टोलर के मॉडल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि रेंज क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, उसको भी फिर मैं अभी एक हल्का सा एक्सप्लेन कर दूंगा, समझेंगे ठीक है। तो इसलिए जैसे जैसे आप मार्केट पॉइंट से दूर, इस प्रोडक्शन पॉइंट से दूर बढ़ते हैं तो प्राइस इंक्रीज होता है। अब प्राइस इंक्रीज क्यों हो रहा है? प्राइस इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, इसलिए धीरे धीरे करके इस प्रोडक्शन पॉइंट से दूर जाने पर डिमांड घटने लगती है। और जब डिमांड घटने लगती है, डिमांड डिक्रीज होती है, डिस्टेंस जो डिमांड डिक्रीज है, डिमांड वुड डिक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम ए प्रोडक्शन सेंटर। और इसी के कारण, इस पूरे वाक्य के कारण क्या होता है, डिमांड कोण का यहां पर आपको ओरिजिन होता हुआ नजर आएगा। कैसे करके देखो, यह प्रोडक्शन पॉइंट है, प्रोडक्शन पॉइंट से दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो धीरे धीरे डिमांड भी घट रही होगी ना, तो ये डिमांड है, क्वांटिटी है, क्योंकि क्वांटिटी यहां पर क्वांटिटी देखो सबसे ज्यादा है। क्यों है क्वांटिटी यहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पॉइंट के यहां पर? क्योंकि यहां पर प्राइस सबसे कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा है। दूर जैसे जैसे जाओगे तो यहां के लोग हो सकता है इसको थोड़ा सा इस प्रोडक्शन पॉइंट से कम खरीदे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप दूर बढ़ते जाओगे तो डिमांड जो है इस वस्तु की कम होने लगेगी, क्योंकि टोटल ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार से अगर आप इस ऑब्जेक्ट की, इस प्रोडक्ट की आप चारों तरफ की जो परिधि है, जो हम रेंज हमने जिसको कहा है, मैंने कहा था ना कि ये इसकी रेंज है, तो ये देखो यहां पर इस पॉइंट से ये वाली क्या इसकी रेंज है इस वस्तु की, ये वाले भी इस वस्तु की रेंज है। तो इस तरीके से अगर आप उसकी चारों तरफ की जो रेंज है उसको मिला देंगे और उसको 3D शेप में का देखने का अगर प्रयास करेंगे तो आपको कोन दिखाई देगा, कोन शेप में दिखाई देगी ऐसी शेप, और उसी को हम क्या कहेंगे, डिमांड कोन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही क्या है, इसको बोलेंगे हम डिमांड कोन। एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन है कि डिमांड कोन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा यूज किया गया, तो वो आपके ऑगस्ट लॉस के द्वारा यूज किया गया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये चीज आपने, ये रहा इनका एक अजम्पशन। ठीक है, ये दो तीन अजम्पशन आपने समझ लिए। इसके बाद ये क्या कहते हैं कि ईच फंक्शन हैविंग ए सेपरेट रेंज थ्रेशोल्ड हेक्सागोनल हिंटरलैंड, यानी कि हर एक जो यहां पर हिंटरलैंड फंक्शन है, जैसे क्रिस्टोलर के मॉडल में आपने पढ़ा होगा कि जो K4 की वैल्यू है, K4 की वैल्यू में जो दो हेक्सागोनल होते हैं उनके बीच में, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना कि दो हेक्सागोन होते हैं जो K4 के, मैं यहां पर आपको बना करके दिखाता हूं, जैसे देखिए ये है। ठीक है, बहुत ध्यान से आराम से समझना, सब चीज समझ जाओगे, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना एक बार। ठीक है, चलो ये रहा, देखो ये एक सेंटर पॉइंट ये है, सेंटर प्लेस, एक सेंटर प्लेस ये है और एक सेंटर प्लेस ये रहा आपका। ठीक है, तो K4 जो होता है, K4 यानी कि ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, तो ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल में क्या होता है, एक सेंटर प्लेस ये, एक सेंटर प्लेस ये, ठीक है, K4, लेकिन इन दोनों मेन सेंटर प्लेसेस के बीच में एक छोटा सेंटर प्लेस होता है जो ट्रांसपोर्ट के, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको कम करने के लिए बीच में सेंटर प्लेस कहीं से भी क्या होता है, इस बीच में, इन दोनों के बीच में आपको ओरिजिन होता हुआ दिखाई देगा। तो इनके बीच में ये क्या कर रहा है, एक कॉमन सेंटर प्लेस आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसा लॉस के मॉडल में नहीं है कि हर एक जो रेंज, हर एक जो फंक्शन है, हर एक जो हेक्सागोन है वो अपने आप में क्या है, सेपरेट है वो। ठीक है, और उसकी अपने अपनी एक रेंज है, अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, अपना उसका ही क्या है, हेक्सागोनल है। और ये भी जो शेप मानते हैं किसी मार्केट प्लेस की, वो शेप साइज तो आपने समझ गया है कि क्या साइज होगा उसका, और ठीक है, और इसका हेक्सागोन का अपना एक रेंज होती है, अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है हर एक वस्तु की। जैसे क्रिस्टोलर मानते हैं कि उसकी एक निश्चित रेंज होती है, निश्चित थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू की अगर आप बात करें तो थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब है वो कम से कम क्वांटिटी कि वो बिकती रहे हर रोज या हर महीने, तो किसी भी सेलर को घाटा नहीं होगा। अगर वो उससे कम बिकेगी तो फिर घाटा होने लगेगा। रेंज जिसके बाहर कोई भी विक्रेता अकेला उस वस्तु को खरीदने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उससे कॉस्टली वहां पर पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी देना पड़ता है, तो फिर उससे बाहर कोई नहीं जाएगा उसको। जैसे आप एक चीनी खरीदने के लिए केवल 15-20 किलोमीटर नहीं जाओगे, लेकिन अगर रेफ्रिजरेटर की बात होगी तो 25-30 किलोमीटर तक भी चले जाओगे। तो चीनी की जो रेंज हो गई वो 2-3 किलोमीटर हो गई, क्योंकि उससे बाहर अकेले उससे लेने नहीं जाओगे।
और जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो 25-30 किलोमीटर तक चले जाओगे, है ना, तो उसकी रेंज हो गई। तो ये भी उसी प्रकार से कहते हैं कि हर एक जो प्रोडक्ट है उसका अपना एक रेंज होती है, अलग अलग होती है हर एक प्रोडक्ट की जो रेंज है, और उसकी थ्रेशहोल्ड वैल्यू भी अलग अलग होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो लॉस का मानना है वो भी क्रिस्टलर की तरह है कि जो एक सर्विंग शेप होगी किसी भी मार्केट प्लेस की जो शेप होगी वो हेक्सागोन में ही बेस्ट पॉसिबल है। अगर आप हेक्सागोन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, सर्कल को इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा रीजन हो जो कि ओवरलैप कर जाए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक ऐसा रीजन है जो कि देखो ओवरलैप कर गया, दो मार्केट प्लेस हैं, दो मार्केट प्लेसेस के बीच में एक ऐसा रीजन है जो इस ए मार्केट और बी मार्केट दोनों के द्वारा सर्व किया जा रहा है। और अगर हम एक दूसरी कंडीशन देखें तो देखो एक कंडीशन ये हो सकती है कि ए बी और सी ये तीन मार्केट प्लेस हैं, सेंट्रल प्लेस कह सकते हैं आप, तीन सेंट्रल प्लेस हैं, इनमें से इन तीनों के अपना अपना एक एरिया है, अपना अपना एक दायरा है सर्विसेज प्रोवाइड करने का, लेकिन इन तीनों के बीच में देखो एक ऐसा रीजन है जो कि अनसर्व्ड रीजन है। अगर हम सर्कल को शेप के रूप में ले लेते हैं मार्केट प्लेस की, तो कोई एक ऐसा रीजन होगा जो ओवरलैप करेगा और कोई एक ऐसा रीजन होगा जो देखो यहां पर क्या है अनसर्व्ड रह जाएगा या फिर अनसर्व्ड रह जाएगा, ठीक है। तो इसको इस कंडीशन से बचने के लिए हमें हमेशा किस शेप का इस्तेमाल करना चाहिए, जो लॉस और क्रिस्टलर दोनों कहते हैं वह है हेक्सागोनल, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव और अजम्पशन। अब इसके बाद हम आगे के जो इसके और कॉन्सेप्ट हैं, मेन थ्योरी में मेन जो बातें कही गई वो क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है और इनके दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, उनको हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आपको जैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसके नोट्स मिलते हैं, नोट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और धैर्य बना करके सुनना पूरा पूरा थ्योरी, पूरा मॉडल। एक भी क्वेश्चन यहां से आपका नहीं छूटने वाला, चाहे यूजीसी नेट हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई वैकेंसी हो उसमें, और टीजीटी पीजीटी किसी में भी आपका इससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतनी मेरी गारंटी, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें अब हम डिस्कशन करने वाले हैं आगे के कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट को जो कि लॉस के मॉडल में बताए गए थे, जिसमें अब इससे पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें हमने डिस्कशन किया था इंट्रोडक्शन, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका अजम्पशन क्या क्या है, इन बातों को हमने डिस्कशन किया था। अब हम आगे चलते हैं और लॉस के मॉडल में कॉन्सेप्ट ऑफ के क्या है, के का क्या मतलब है और कैसे ये के की वैल्यू क्रिस्टलर की जो के वैल्यू थी उससे अलग है। क्रिस्टलर की जो के वैल्यू है, अगर आपने इसको नहीं देखा है क्रिस्टलर वाला मॉडल, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखो क्रिस्टलर का जो के वैल्यू है वो कैसे करके लॉस के मॉडल से अलग है, क्यों क्रिस्टलर के वैल्यू को फिक्स्ड के हायरार्की मॉडल भी कहा जाता है, वो आपको अब समझ में आएगा। देखो सबसे पहली चीज, के का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई एक मार्केट एरिया है ना, फर्म है, कोई एक मार्केट एरिया है, उस सेंट्रल प्लेस का जहां तक इन्फ्लुएंस होगा, मान लीजिए ये तो अभी एक हेक्सागोन है ना, एक हेक्सागोन है, ये मार्केट प्लेस है पूरा, इसका ये सेंट्रल प्लेस है, ये जो सेंट्रल प्लेस है इस हेक्सागोन को क्या करता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। अभी मैं क्रिस्टलर के माध्यम से समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो इस हेक्सागोन तक ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका जो इन्फ्लुएंस है इस एरिया से बाहर भी है, इसके आसपास एक दूसरा हेक्सागोन होगा, ठीक है, इसके आसपास एक दूसरा हेक्सागोन होगा और इसके आसपास ऐसे और हेक्सागोन हो सकते हैं और इनके नीचे भी ऐसे और हेक्सागोन हो सकते हैं। तो ये जो सेंट्रल प्लेस है इसका इन्फ्लुएंस यहां तक हो सकता है, यहां तक हो सकता है, यहां तक हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका हेक्सागोन, ये इसका क्या है, ये सर्विस एरिया है। तो एक सेंट्रल प्लेस जितने अपने आसपास के लोअर ऑर्डर के एरिया को सर्विसेज प्रोवाइड कराता है तो वो उसका के वैल्यू कहलाती है। अब के वैल्यू मतलब K3 का मतलब क्या हो गया कि वो एक सेंट्रल प्लेस अपने तीन हेक्सागोन को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। K4 का मतलब क्या हुआ, K4 का मतलब हुआ कि एक सेंट्रल प्लेस चार हेक्सागोन को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। K7 का मतलब हुआ कि एक सेंट्रल प्लेस सात हेक्सागोन को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। हालांकि उसका जो अगर आप देखोगे, अगर आपको देखने में हो सकता है कि समझ में ना आए ऐसे, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कराना चाहूंगा, सेंट्रल प्लेस मॉडल बाय क्रिस्टलर
देखिए, जब इसको हम K3 के माध्यम से समझते हैं, K3 का क्या मतलब होता था, अब मैं इसको कैसे क्यों रिकॉल करा रहा हूं ताकि आप यहां पर समझ पाओ, ठीक है। K3 का मतलब होता था कि ये हेक्सागोन है आपके पास, बहुत सारे हेक्सागोन थे इस तरीके से, ठीक है, यहां पर बहुत सारे हेक्सागोन थे, तो 1/3 जो आसपास के, ये तो मेन हेक्सागोन था वो तो एक हेक्सागोन कहलाएगा, है ना, ये जो मेन हेक्सागोन है ये एक हेक्सागोन कहलाएगा, ठीक है, ये तो हो गया एक। अब बाकी के जो बचे हुए दो हेक्सागोन है वो कहां से आएंगे, तभी तो K3 आएगा। बाकी के जो बचे हुए हेक्सागोन है इसके आसपास के जो हेक्सागोन होंगे, ठीक है, उनका 1/3 भाग जो है उसको सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा ये वाला सेंट्रल प्लेस। तो ऐसे अगर इसके आसपास के 6 हेक्सागोन होंगे, इस मेन सेंट्रल प्लेस के आसपास के 6 हेक्सागोन होंगे, उन 6 हेक्सागोन को, उन 6 हेक्सागोन के 1/3 भाग को अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा और उस 1/3 भाग को आप जोड़ देंगे, ठीक है, या 1/3 भाग को, क्योंकि 6 हेक्सागोन है, इन सभी को अगर आप जोड़ दोगे तो टोटल वैल्यू आएगी आपके पास दो हेक्सागोन, वो हो गए कंप्लीट हेक्सागोन, दो वो हो गए और एक तो आपस में ये पूरा है ही, तो टोटल मिलाकर के कितने हेक्सागोन हो गए, तीन। तो तीन हेक्सागोन को ये सेंट्रल प्लेस सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। ऐसे ही K4 वैल्यू है कि एक सेंट्रल प्लेस, अब K4 में 1/2 भाग, मेन जो सेंट्रल प्लेस है इसका तो अपना एक हेक्सागोन हो गया और आसपास के जो 6 सेंट्रल प्लेस होंगे, 6 का आधा आधा भाग को सर्विस प्रोवाइड कराएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट वैल्यू बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। तो आधा आधा को आप 6 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और एक ये हो गया आपस में, तो K4 की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही एक जो क्रिस्टलर मानते हैं K7, अब K7 को बोलते हैं क्या, K7 को बोला जाता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है, ठीक है। अब K7 में एक चीज अंतर है, K7 में क्या चीज अंतर है, K7 में ये अंतर है कि इनके आपस, इसके जो आसपास के, यहां तक K3 और K4 में जो आसपास के छोटे छोटे एरिया थे जिनको ये मेन सेंटर प्लेस सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा था, वो उसके बाहर स्थित थे, लेकिन K7 में वो जो 6 प्लेसेस हैं, ठीक है, ये जो 6 प्लेसेस हैं, 3 देखो ये हो गए और 3 ये हो गए, ये इस मेन सेंट्रल प्लेस, मेन हेक्सागोन के अंदर ही अवस्थित हैं, ठीक है, इसके ये अंदर ही अवस्थित हैं, इनका बाहर से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कि अगर आप K3 में देखोगे या फिर K4 में देखोगे, ठीक है, यहां पर K4 में अगर आप देखेंगे, इसको फिर से इजी करके बना देते हैं, ठीक है, अगर आप K4 में इसको समझना चाहें, जैसे मान लीजिए ये सेंट्रल प्लेस है एक, और एक हेक्सागोन है ये वाला आपका, तो ये सेंट्रल प्लेस था ना, तो इसका आधा भाग, इस वाले हेक्सागोन का आधा भाग ये वाला सेंट्रल प्लेस इसको सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, और यहां पर भी एक क्या होगा, एक सेंट्रल प्लेस होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हेक्सागोन है इसका संबंध दो सेंट्रल प्लेसेस से है, ठीक है, एक इस वाले सेंट्रल प्लेस से, एक इस वाले सेंट्रल प्लेस से, लेकिन यहां K7 में ऐसा नहीं होता है, केवल और केवल एक ही सेंट्रल प्लेस से ये सर्विसेज आपको मिलेगी, ठीक है। तो क्रिस्टलर ये सारी बातें कहते हैं, और क्रिस्टलर कहते हैं कि इसके बाहर कोई दूसरा के की वैल्यू नहीं होगी, K3 K4 और K7 की वैल्यू इतने में ही वो सुनिश्चित हो जाते हैं, इतने में ही वो संतुष्ट हो जाते हैं, इसके बाहर इसकी कोई भी K की वैल्यू नहीं होगी, इसीलिए इसको K फिक्स हायरार्की वाली थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसमें क्या मतलब है, यहां पर लॉस, अब लॉस पर हम इसको अगर समझना चाहें तो लॉस यहां पर इनसे अलग है, इनका थोड़ा विचार, लॉस कहते हैं कि नहीं, K की जो वैल्यू है वो K3 K7 और K9 K13 K16 K19 ये n तक हो सकती है, n का मतलब तो आप समझते हैं कि अनंत तक कहीं भी हो सकती है। ऐसा वो क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर पहले ही बताया गया है कि जो हर वस्तु की, हर प्रोडक्ट की जो रेंज है और थ्रेशहोल्ड है, ठीक है, जो परिधि है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, तो वो कितनी भी दूर तक हो सकता है कि उसकी दूरी 10 किलोमीटर हो सकता है कि 12 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो सकता है कि जो एक सेंट्रल प्लेस की सर्विसेज है वो दो हेक्सागोन तक ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो सकता है कि वो 4-5 हेक्सागोन तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हो सकता है कि कोई एक ऐसी सर्विस हो जो कि बहुत रेयर हो और किसी एक सेंट्रल प्लेस में मिलती है, और इसी के कारण क्योंकि वो रेयर है वो आसपास के अपने 15-20 हेक्सागोन्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हो,
ऐसे पॉसिबल है। तो यहां पर ये वाली व्यवस्था लॉस लेकर के आते हैं कि जो के की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू लॉस, के की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, वो 3, 4, 7, 9, 13, 19 ऐसे करके एन वैल्यू तक हो सकती है। यहां पर इसकी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन ये एक और चीज बोलते हैं इसी में कि जो के 7 है, के 13 है और के 99, ये सबसे ज्यादा बेस्ट कंडीशन होती है हेक्सागन्स की। क्यों? क्योंकि यहां पर, क्योंकि मैंने, आप रिकॉल करो अजम्पशन में क्या कहा था, अजम्पशन में यह कहा था कि जो भी इसके अकॉर्डिंग, लॉस के अकॉर्डिंग हर एक हेक्सागन अपने आप में सेपरेट उसकी रेंज होती है, सेपरेट थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है और उसका अपना एक सेपरेट हेक्सागन होता है, अपना एक सेपरेट उसकी सेंट्रल प्लेस होता है, बाहर से उसका कोई भी संबंध नहीं होगा। तो ये मानते हैं कि जितना कोई भी अगर क्षेत्र है वो किसी एक ही सेंट्रल प्लेस पर निर्भर होगा, वही सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आपको K7 और K13 और K19 में दिखाई देगी। क्योंकि मैंने आपको याद करिए आप कि K4 की जो आपको कंडीशन दिखाई थी, तो K4 की कंडीशन में क्या होता था कि K4 की कंडीशन में एक सेंट्रल प्लेस ये है, एक सेंट्रल प्लेस है, इनके बीच में भी सेंट्रल प्लेस होता था और एक जो हेक्सागन है वो दो सेंट्रल प्लेसेस पे निर्भर होगा। तो ऐसी कंडीशन को ये बेस्ट नहीं मानते, हालांकि वो हो सकती है लेकिन उसको बेस्ट नहीं मानते। बेस्ट किसको मानते हैं, आपको यहां पे पिक्चर में मैं दिखा दूंगा कि देखिए कौन कौन सी है जो बेस्ट कंडीशन वाली है। एक है 7, 13 और 19, ये बेस्ट कंडीशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू लॉस। ठीक है, अब इसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि जो सेटलमेंट है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है और इस हेक्सागन को जब आप रोटेट करेंगे तो आपको कैसी व्यवस्था दिखाई देगी। यहां पर तो आपने लॉस के द्वारा जो के की व्यवस्था है उसको समझा, अब आगे आप देखेंगे कि कैसे जो लॉस का हेक्सागन है वो क्रिस्टलर के हेक्सागन से किस प्रकार से अलग है। हेक्सागन मैं बार बार बोल रहा हूं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो समझेंगे कि हेक्सागन का मतलब होता है षटकोण जिसकी 6 भुजाएं हैं। तो लॉस बताते हैं कि जो हेक्सागन है, क्रिस्टलर का हेक्सागन तो क्या है, फिक्स है, एक जगह पर जैसा उन्होंने रख दिया हेक्सागन को तो वो वैसा ही होगा, ना उसके आकार में वृद्धि होगी ना ही उसके जो उसका डायरेक्शन है उसमें चेंजेस होंगे। लेकिन लॉस अपने हेक्सागन को रोटेट करते हैं। अब रोटेट करते हैं हेक्सागन का इसका क्या मतलब है, देखो यहां पर मान लीजिए ये है पॉइंट पी, ये प्रोडक्शन का पॉइंट है और ऐसी स्थिति हो गई है कि यहां पर ये जो मार्केट प्लेस है, ये मार्केट प्लेस है, मान लीजिए पहले ये एक हेक्सागन था, आप किसी एक हेक्सागन को लीजिए, मान लीजिए हम इस वाले हेक्सागन को लेते हैं, देखो इसका ये आपको दिखा दे ना रेंज ये, ठीक है, इस हेक्सागन में इसका ये प्रोडक्शन पॉइंट था, इस प्रोडक्शन पॉइंट में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था वो यहां की डिमांड से ज्यादा था। अब डिमांड से अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इसका मतलब कुछ जो प्रोडक्ट है वो बच जाएगा, अगर वो बच जाएगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा मार्केट प्लेस चाहिए होगा। तो मार्केट प्लेस को ढूंढने के लिए ये व्यक्ति क्या करेगा, अभी तक तो ये यहां पर ट्रेवल करता था, है ना, ये यहां पर जाता था इस डायरेक्शन में और इसका जो मार्केट प्लेस था ये हुआ करता था ये, ठीक है, ये इसका मार्केट प्लेस हुआ करता था। अब इसने क्या करा, जो लॉस है ये कल्पना करते हैं और इसको इस अपने हेक्सागन को रोटेट कर देते हैं। अब अगर आप देखो इसको रोटेट करोगे तो ये वाला जो नया मार्केट प्लेस है, ये वाला नया मार्केट प्लेस है, आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा ये नया मार्केट प्लेस है, ये वाला नया मार्केट, ये वाला ये और ये आपको नए मार्केट प्लेस दिखाई दिए, है ना। तो आपको ऐसे ऐसे 6 नए मार्केट प्लेस दिखाई देंगे, वहीं साथ ही साथ जो पुराने वाले 6 थे वो छोड़ जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके अगर इसमें और काम नहीं बनेगा तो धीरे धीरे करके ये सेंट्रल पॉइंट से वो जहां पर ये प्रोडक्शन हो रहा था, अगर इतने डिमांड से अगर काम नहीं बना, प्रोडक्शन फिर भी ज्यादा हुआ तो और दूर इसमें जाकर के अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेल किया जाएगा। तो अब हम देखिए यहां पर जाएंगे, ठीक है, और इसी कंडीशन में यहां पर देखिए ये आपको नया मार्केट प्लेस मिला, ठीक है, ये नया मार्केट प्लेस मिला और इसी के चलते देखो ये नया मार्केट प्लेस बन गया। ये पूरा एक हेक्सागन है जिसको अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो ये एक हेक्सागन है, ये नया मार्केट प्लेस है, ये नया मार्केट प्लेस इसको मिल गया, ये नया मार्केट प्लेस इसको मिल गया और साथ ही ये वाला नया मार्केट प्लेस मिल गया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, लेकिन हाँ देखिए ये चीज भी है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ये ज्यादा व्यवहारिक है और ये क्या है, डिफिकल्ट तो है लेकिन कम रिस्ट्रिक्टिव है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ये क्रिस्टलर के मॉडल से, क्रिस्टलर देखो ना ही अपने हेक्सागन को रोटेट करते हैं, सिंपल सी बात बता देते हैं, लेकिन वो कम व्यवहारिक है। असल में ये सारी ये चीज जो है वो ज्यादा व्यवहारिक होती है। तो लॉस का मॉडल,
ये समझने में डिफिकल्ट तो है लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक है, ये एप्लीकेबल ज्यादा है रियल वर्ल्ड में, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। देखो अब ये देखो नए आपको दिखाई दिया ना, ये नया आपको मार्केट प्लेस मिल गया है। अब यहां पर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 ये वाला तो नहीं आएगा, ये 5 और 6 ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है, 5 और 6 प्लेस आपको ऐसे मिल गए जो नए मार्केट प्लेस हैं और 6 प्लेस आपको ऐसे मिले जो पुअर वाले हो गए, ठीक है। अब उसको और रोटेट करोगे तो फिर आपको 6 नए मार्केट प्लेस मिलेंगे, तो यहां पर ये वाली व्यवस्था आपको दिखाई देगी। तो कैसी, तो 6 प्लेसेस ऐसे होंगे जो रिच सिटी होगी और 6 प्लेसेस ऐसे होंगे जो पुअर सिटी होगी। अब देखो यहां पर इसको जो रोटेट किया जाता है हेक्सागन को लॉस के द्वारा, वो क्यों करते हैं, इसका भी एक रीजन होता है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। फॉर न्यू मार्केट, ठीक है, न्यू मार्केट की नई मार्केट ढूंढने के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है वहां की डिमांड से, क्योंकि डिमांड पर इनका बहुत ज्यादा फोकस था। मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी रीजन में अगर जितना प्रोडक्शन हो रहा है वहां की डिमांड से वो ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए हमें नए मार्केट प्लेस की जरूरत है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इस हेक्सागन को लॉज रोटेट करते हैं। अब रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के क्रम में इसका जो साइज है, ठीक है, वो साइज है हेक्सागन का, वो भी इंक्रीज होता हुआ चलता है और आपको नए मार्केट प्लेस, 6 नए मार्केट प्लेस मिलेंगे जो कि रिच बन जाएंगे, ठीक है, वहां पर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई जाएगी तो रिच होगा, और 6 आपको पुअर स्टेट पुअर रीजन आपको दिखाई देंगे। अब इसको घुमाने का देखो रीजन क्या था, तो याद करना आप, इसको घुमाने का रीजन था कि जो जितना भी उत्पादन केंद्र है, क्योंकि अगर वो आसपास रहेंगे, ऐसे में अगर आप एक एग्जांपल याद करेंगे कि देखिए ये है कोई एक रीजन है, ये कोई एक रीजन है, इस रीजन में यहां पर मान लीजिए सॉफ्टवेयर कंपनी है, कंप्यूटर असेंबल करने की कोई कंपनी है, तो यहां पर अगर एक यहां पर कोई मान लीजिए कैबिनेट बनाने की कंपनी है, साथ में ही रैम की कंपनी है, यहीं पर मदरबोर्ड है, यहां पर बाकी एसेसरीज कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये देखो जितना दूर, जितने ज्यादा ये दूर दूर होंगे, तो इनको एक दूसरे के प्रोडक्ट लेने के लिए, क्योंकि असेंबल तो अल्टीमेटली सारी चीजों को मिला करके होगा कंप्यूटर, है ना, तो अगर इनकी कंपनियां बहुत ज्यादा दूर होंगी तो इनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। वहीं अगर ये पास पास आ जाएंगी तो पास आने के बाद में इनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, तो जो उत्पादन केंद्र है यानी कि जो प्रोडक्शन सेंटर है वो जितनी ज्यादा नजदीक आते जाएंगे, जितनी ज्यादा नजदीक आते जाएंगे तो उनको उतना ही कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ेगा, जिससे कि मुनाफा ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए रीजन ये कि जो रीजन है इस हेक्सागन को रोटेट करने का, कि जो उत्पादन केंद्र है वो पास पास आ जाएं, बहुत ज्यादा पास आ जाएं, क्योंकि जितना ज्यादा वो प्रोडक्शन केंद्र प्रोडक्शन सेंटर अपने आप पास पास आएंगे तो लागत उतनी ही कम होगी, कॉस्ट उतनी ही कम लगेगी, जिससे कि आपको मुनाफा ज्यादा होगा। और इस सभी से निकल करके ये वाली कंडीशन आपके सामने आएगी, एक नया हेक्सागन आपको दिखाई देगा जिसमें 6 रीजन कैसे होंगे, रिच होंगे, और 6 रीजन आपको पुअर वाले रीजन दिखाई देंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद एक स्लाइड और आएगी नेक्स्ट, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि एक जो मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस जैसे मान लीजिए ये कोई एक रीजन था, ये एक सेंट्रल प्लेस है, ठीक है, और दूसरा ये सेंट्रल प्लेस है, जब मान लीजिए यहां पर डिमांड ज्यादा होती है लेकिन यहां पर कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ने के क्रम में बाहर से आने वाले जो इस रीजन से, अभी तक मान लीजिए इसकी देहरी, इसकी जो रेंज थी वो ये हुआ करती थी, ठीक है, अब यहां पर कॉस्ट ज्यादा हो गई क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, या फिर किसी भी वजह से यहां पर टोटल जो ओवरऑल कॉस्ट आ रही है, यहां पर तक अभी मान लीजिए 10 रुपए थी, अब वो 12 हो गई है, तो लोग यहां पर खरीदने नहीं जाएंगे, इस पर जाएंगे। तो कैसे करके एक सेंट्रल प्लेस दूसरे सेंट्रल प्लेस को कैप्चर करता है, इस बात को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, और साथ ही क्रिस्टल और लॉस के मॉडल का कंपैरिजन चार्ट एक देखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने लॉस के फाइनल स्टेज पर, जिसमें अब हम डिस्कशन करेंगे कि एक मार्केट प्लेस या फिर एक सेंट्रल प्लेस कह लीजिए कि कैसे करके वो दूसरे सेंट्रल प्लेस को कैप्चर करता है, उसके मार्केट प्लेस को कैप्चर करता है। तो इसको हम देखते हैं, इसमें डिस्कशन करते हैं। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है यहां पर सामने, शायद अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां पर आपको उसकी पिक्चर दिखा दूंगा, ठीक है, जिसमें हम अब देखेंगे कि चेंजेस इन द रेंज ऑफ मार्केट प्लेस। अब रेंज क्या होती है, देखो रेंज होती है, रेंज का मतलब है, जैसे मैं पहले भी बताया था आपको, रेंज का मतलब है कि कोई भी एक वस्तु, कोई भी एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कितनी दूर से कंज्यूमर अकेले उस वस्तु को खरीदने के लिए ट्रेवल कर सकता है।
अब देखो अगर ये मान लीजिए यहां पर ये कोई एक वस्तु है, चलिए इसको यहां पर इस फिगर के माध्यम से ही समझेंगे, और साथ में आपको यहां पर ये इसका पिक्चर भी दिखाई देगा क्लियर, ताकि आप इसको अच्छे समझ पाएंगे और साथ ही डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है। तो देखो मान लीजिए ये कोई आपके सामने क्या है, एक मार्केट प्लेस है ए और एक मार्केट प्लेस है बी। ये मार्केट प्लेस जो यहां पर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए किसी चीज का प्रोडक्शन यहां पर हो रहा है, तो इसका जो प्रोडक्शन है इसकी रेंज अभी फिलहाल कहां तक थी, तो मान लीजिए हम इसको मानते हैं ये बी, सॉरी इसको मानते हैं हम स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये इसकी रेंज थी, इसके प्रोडक्शन की ये रेंज हुआ करती थी, ठीक है। और यहां तक इसका जो टोटल कॉस्ट आती थी, ये आपको इसकी रेंज दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो टोटल इसकी रेंज है पूरी यहां से लेकर के ये स्मॉल ए है और ये स्मॉल स्मॉल बी है, यहां तक इसकी टोटल रेंज हुआ करती थी, यहां तक इसकी जो रेंज थी, इसका मतलब यहां पर ये 10,000 रुपए के का ये प्रोडक्ट जो है वो बिक जाता था। तो इतनी दूर से का मतलब है इस सेंटर पॉइंट यानी कि इस सेंट्रल प्लेस लेकर के प्रोडक्शन पॉइंट से लेकर के 5 किलोमीटर, दोनों तरफ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इस साइड भी और 5 किलोमीटर इस साइड के व्यक्ति भी इसको खरीदने के लिए सेंट्रल प्लेस तक आया करते थे, और फिर इसके बाहर का जो इन्फ्लुएंस एरिया था वही दूसरे सेंट्रल प्लेस के द्वारा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ करके 10,000 से 12,000 हो चुका है, ठीक है, 12,000 हो चुका है। तो अब क्या होगा, इस सेंट्रल प्लेस से 5 किलोमीटर तक ये दूरी खरीदने के लिए, 5 किलोमीटर दूर से लोग इसे खरीदने के लिए आते थे, लेकिन क्योंकि अब इसकी किराया इसका ज्यादा हो चुका है या फिर प्रोडक्शन इसका ज्यादा हो चुका है, जिसके कारण 5 किलोमीटर से नहीं अब 3 किलोमीटर के दूरी के लोग ही केवल उसको खरीदने के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक जो किराया लगा करके 10,000 रुपए कॉस्ट पड़ रही थी, अब वो 3 किलोमीटर तक ही 10,000 रुपए का वो पड़ेगा, उसके आगे वो 12,000 का पड़ेगा, तो 12,000 के लिए लोग इसको खरीदने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू और अपनी रेंज होती है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसकी जो इसका जो एरिया है इन्फ्लुएंस एरिया जहां तक ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, तो वो 3 किलोमीटर तक का दायरा हो गया। अब देखो ये घट करके क्या हो गया, इसका जो रेंज है अब वो रेंज केवल ए और बी ना होकर के बी, अब इसको मान लीजिए हम एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्स और वाई के बीच में इसकी रेंज रह गई। अब जो इसका जो एरिया खाली बचा है, ऐसा तो है नहीं कि वहां पर कोई भी सेंट्रल प्लेस सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा, तो इसका जो सेंट्रल प्लेस इसका जो कैप्चरिंग है वो दूसरा सेंट्रल प्लेस आपको यहां पर देख रहे हैं, बी वाला जो सेंट्रल प्लेस है वो इसके रीजन को कैप्चर कर लेगा, यहां पर वो सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। इस प्रकार से लॉस बताते हैं कि एक सेंट्रल प्लेस अगर उसकी रेंज से वो कम हो जाता है, जैसे कि यहां पर हुआ है, तो दूसरा सेंट्रल प्लेस या फिर दूसरा मार्केट प्लेस उसके एरिया को कैप्चर कर लेता है और वहां पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा लॉस का मॉडल, जिसमें हमने सारी चीजें देखी, उसका इंट्रोडक्शन, बेसिक अजम्पशन क्या है, थ्योरी में क्या क्या बातें की गई हैं, ये नॉन फिक्स थ्योरी कैसे किस प्रकार से है, लॉस के मॉडल से कैसे अलग है। अब यहां पर लॉस के मॉडल में और क्रिस्टॉलर के मॉडल में, इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे, यहां पर क्या क्या चीजें हैं इन दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है कि लॉस का मॉडल, क्रिस्टॉलर का मॉडल जो है, क्रिस्टॉलर का मॉडल केवल दक्षिण जर्मनी के, साउथ जर्मनी के बारबेरिया शहर पर आधारित है, वहीं अगर आप बात करोगे लॉस का मॉडल, तो पूरे जो जर्मनी है, जर्मनी के पूरे जर्मनी के शहरों के जो डाटा है उन पर आधारित है, उनको एनालिसिस करके लॉस ने अपना मॉडल दिया था। तो पहला डिफरेंस तो यहां पर यह आता है। दूसरी चीज जो क्रिस्टॉलर मानते हैं, जो दूसरा डिफरेंस देखिए, क्रिस्टॉलर मानते हैं कि जो हमारा मार्केट प्लेस है, जो सेंट्रल प्लेस है, उसको कंसीडर करने के लिए 3 बातों को मानते हैं। एक तो वहां पर सर्विसेज होनी चाहिए, सर्विसेज को कंसीडर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कंसीडर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को कंसीडर करते हैं। वही लॉस जो है इसके आगे बढ़ते हैं, वो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग को भी कंसीडर करते हैं, बाकी लॉ क्रिस्टॉलर ने जो कहा है उसको तो मानते ही हैं, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग एरिया को भी वो सेंट्रल प्लेस मानते हैं, ठीक है। 150 उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनको वो सेंट्रल प्लेस कहे जाने के लिए कंसीडर करते हैं। तो इनका ये दूसरा, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और इसके अलावा इनमें जो तीसरा परिवर्तन है वो क्या है, क्रिस्टॉलर लॉस ने क्रिस्टॉलर की भांति षट्कोणीय इकाइयों का प्रयोग किया, लेकिन उनकी आकृति में संशोधन किया, ठीक है। यानी कि तीसरा इनमें डिफरेंस क्या है, देखो लॉस का जो मॉडल है और क्रिस्टॉलर का मॉडल है, क्रिस्टॉलर अपने जो हेक्सागोन है उसमें फिक्स होते हैं,
उसका शेप भी फिक्स रहेगा, उसका जो वैल्यू है वो भी फिक्स रहेगी, लेकिन लॉस अपने हेक्सागोन के साइज को भी इंक्रीज करते हैं, उसको रोटेट भी करते हैं ताकि नए से नए मार्केट प्लेस को फाइंड आउट किया जा सके। ये उनका अगला डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद देखो उसमें जो अगला डिफरेंस है कि उसको रोटेट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा है कि क्रिस्टॉलर का जो मॉडल है, क्रिस्टॉलर का मॉडल वो कैसा मॉडल है, वो रिस्ट्रिक्टिव क्या है, क्रिस्टॉलर का मॉडल कम समझने में थोड़ा आसान है क्रिस्टॉलर का मॉडल, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टिव है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आसान तो है समझने में लेकिन वो रिस्ट्रिक्टिव है, ना ही वो उसको रोटेट करते हैं और ना ही वो उसके साइज को इंक्रीज करते हैं। वहीं लॉस का मॉडल समझने में डिफिकल्ट तो है लेकिन वो व्यवहारिक है, ज्यादा वो ज्यादा एप्लीकेबल है रियल वर्ल्ड में उसको, क्योंकि रोटेट भी करते हैं और उसका साइज भी इंक्रीज करते हैं, नए नए मार्केट प्लेस का वो फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा देखो क्रिस्टॉलर का मॉडल जो है वो K3, K4 और K7 तक ही फिक्स हो जाता है, और वहीं जो लॉस है अपने मॉडल में ये जो वैल्यूज हैं उनको आगे तक लेकर के जाते हैं, एन नंबर तक वो उसे लेकर के जाते हैं। तो ये इनमें एक डिफरेंस है, ठीक है। और इसके अलावा देखो क्रिस्टॉलर बोलते हैं, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनमें क्या है कि क्रिस्टॉलर कहते हैं कि एक जो सेंट्रल पेस है वो हायरार्की में ऊपर है, तो अगर वो हायरार्की में ऊपर है तो उसके नीचे स्तर के, उसके जो लोअर लेवल के हायरार्की में सेंट्रल प्लेसेस होंगे उनमें जो सर्विसेज मिल रही हैं तो वो हाई हायरार्की वाले सेंट्रल प्लेस में तो जरूरी मिलेंगी ही मिलेंगी, तभी जाकर के वो हाई हायरार्की वाला सेंट्रल प्लेस कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉस मानते हैं ऐसा कि ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है, बस ये है कि जो हायरार्की में ऊपर है उसमें कुछ ज्यादा मात्रा में और कुछ एक्स्ट्रा चीजें वहां पर करी जा रही हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो निचले लेवल के सेंट्रल प्लेसेस हैं वहां पर जो काम हो रहे हैं वो जरूरी है कि यहां पर मिले, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लॉस नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ देखिए उनके मेन डिफरेंसेस थे, आई होप कि आपको सारी चीजें यहां से समझ में आ गई होंगी। अब अगर आप PYQ सॉल्व करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, इसका आपको नोट्स मिल जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं इस वीडियो के, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई सजेशन है तो, ठीक है। तो इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।